नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराट शर्मा। आप देख रहे हैं एआर मीडिया टीवी। आज मेरे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे टॉप लेवल के विलेन, जिनको प्यार से लोग कहते हैं एंग्री हैंगमैन विलेन। तो आयाज जी मेरे साथ हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है एआर मीडिया टीवी में। थैंक यू सो मच। और हमारे सभी दर्शकों को और आपके जो है जो टेक्नीशियन है, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा साथ प्यार मेरे साथ। अभी हाल में ही आपको देखा गया था कि दर्शक आपको घेर लिए थे चारों तरफ से, अचानक आप चले गए तो पता चला कि आप डबिंग में गए थे। तो किस मूवी का डबिंग कर रहे थे आप वहाँ पर? कहें कि बहुत सारा काम बाकी बा अभी। ये तो मैच कर गया सर, ये तो मैच कर गया होगा। कहें कि बहुत सारा काम बाकी बा अभी। देखे तू जौन पैसा दे रहा है ना, देखे यार जौन तू पैसा दे रहा है ना। वास 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 है। हाँ जी, अभी मैं जिस फिल्म का डबिंग कर रहा था उस फिल्म का नाम है मैं सुपर किंग डॉन हूँ, और ये भोजपुरी फिल्म है। और इस फिल्म के जो है डायरेक्टर हैं दिलीप जॉन जी हैं, डायरेक्टर भी हैं और कैमरामैन भी हैं। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है डॉक्टर गौतम जी हैं, और इससे पहले भी उन्होंने फिल्म बनाई थी और उसमें भी मैंने काम किया था। और खाकी बहुत अच्छे जो है ह्यूमन बींग भी हैं और ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, लेकिन फिल्म प्रेमी है और फिल्म से उनको बहुत लगाव है, एक्टिंग से बहुत लगाव है। तो वो जो है फिल्मों भी हमने कम्प्लीट किया, और ये फिल्म जो है अभी बहुत जल्दी जो है आप लोगों के जो है नज़दीकी सिनेमाघरों में भी आने वाली है, क्योंकि इस फिल्म का जो है डबिंग मोस्टली कम्प्लीट हो गया है। अभी जो है ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है, तो बहुत जल्दी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आएगी। और आप लोग इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। अभी तक जो दर्शक आपके कैरेक्टर को जानते हैं, इस फिल्म में कैसा, मतलब क्या खास बात है कि जो अलग होगा इस फिल्म में? जो है ये चला गया। अभी तक जो दर्शक आपको देखते हैं फिल्मों में काफ़ी निगेटिव रोल का देखते हैं, इस फिल्म में सबसे खास बात क्या है? निगेटिव तो इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही अलग हो। निगेटिव के लिए क्या होता है, निगेटिव में भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। एक होता है कि बहुत जो है विलेन बहुत कम बोलता है, एक होता है कि कॉमिक टाइप का विलेन होता है, एक होता है कि बहुत है ना मारपीट बहुत करता है। तो डिफरेंट जो है वेरिएशंस होते हैं और जो है एक्टर के कैरेक्टर के। तो इसमें जो है मेरा जो है कैरेक्टर है विलेन का, ये लेकिन बहुत अलग है वो। मतलब हमारे जो है, मैं अपने से अपने कैरेक्टर की तारीफ करूँ तो अच्छी बात नहीं है। और जो मेरे फिल्म के डायरेक्टर थे जिन्होंने बोला कि आज भाई सच पूछो तो मतलब उन्होंने ऐसा सब बोला कि ये रोल आपके अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो ये मैं नहीं कह सकता, ये हमारे डायरेक्टर साहब की के मतलब शब्द हैं। अल्लाह का शुक्र है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है कि मैं जो है काम कर रहा हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ कोई भी कैरेक्टर हो
मैं उसको दिल से करूँ, बड़े शिद्दत से करूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री है, इतिहास है, हम तो करके चले जाएंगे, हम मर भी जाएंगे, उसके बाद भी ये जिंदा रहेगा। तो मैं तो सोचता हूँ कि इसको कितना बेटर, कितना अच्छा कर दूँ। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे जो है, हमारे काम से हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर खुश है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे बड़ी उपलब्धि होती है कि जब ये सिनेमा, कोई भी सिनेमा हो, जब वो दर्शकों के तक पहुँचे और दर्शक उसको प्यार दे, तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। बहुत अच्छा रोल है, निगेटिव भी है, लेकिन वो जो है गाना भी गाता है, सेट भी रहता है, कॉमिक भी करता है, तो मतलब बहुत अलग है ना, कभी बहुत शांत भी रहता है। तो मैंने जो है उसको बहुत डिफरेंट ढंग से प्ले करने की कोशिश की है। अब दर्शकों के ऊपर है कि दर्शक इसको और इस लुक को और इस करेक्टर को कितना गा देते हैं। खाना की बात करें तो संजय पांडे जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, तो क्या इस फिल्म में आपके साथ वो भी नजर आने वाले हैं? संजय जी हैं मेरे साथ हैं, मैं हूँ, संजय जी हैं इस फिल्म में जो हीरो हैं, प्रमोद प्रेमी हैं, पवन कुमार हैं और तनुश्री हैं और श्रेया है और रत्नेश परमवाल हैं। तो अच्छी टीम है। और इस फिल्म के जो है जो प्रोड्यूसर जो है गौतम जी भी हैं, इस फिल्म में जो है अच्छा रोल किया, अच्छा रोल कैरेक्टर में भी किया, बहुत अच्छा इनका कैरेक्टर है। तो फिल्म में जो है काफ़ी अच्छे गाने भी हैं और कास्ट एंड क्रू भी बहुत अच्छा है। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए हमारे दर्शकों को। कब तक ये मूवी आप देख पाएंगे? मुझे लगता है कि एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे जो है ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के ऊपर है कि वो कब रिलीज करते हैं। फिर भी मुझे जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये फिल्म मई तक आ जानी चाहिए। जी, इस फिल्म को लेकर दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो है अच्छी फिल्म बनी है और आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि आज जो है कोई भी हो, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी हो, चाहे एक्टर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, आज जो भी हम लोग हैं, आप लोगों की बदौलत है। तो आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखते रहिए, अगर आप लोग फिल्में देखेंगे तो हम लोग का नाम बढ़ेगा, हम लोग का जो है मान सम्मान बढ़ेगा। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो है अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, क्योंकि आप लोग भी जो है बहुत जो है कीमती समय निकाल के अपने पैसे लगा के सिनेमाघरों में आते हैं, तो हमारी भी कोशिश रहती है, हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं, बैठ के डिस्कशन करते रहते हैं कि अच्छी फिल्में बनाई जाए अपने दर्शकों के लिए। कोशिश जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से बेहतर फिल्में बन रही हैं, और इससे ज़्यादा जजमेंट तो आप लोग ले सकते हैं कि फिल्में कैसी बन रही हैं। हम लोग का प्रयास है अच्छा करने का। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पायलट लाउड करना पड़ेगा। ऊपर वाला हमारा कुछ ना बिगाड़ पाई। चलिए ऊपर वाला हमारा कुछ ना बिगाड़ पाई, कहे कि हम अपन मर्जी का मालिक खुद है। है ना? चलिए वही है। मालूम है क्या है,
हाँ